الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج हफ्ते का दिन यानी सैटरडे 6 जून 2020, 13 शव्वाल 1441 हिजरी, सूरतुल बकारा की आयत नंबर 10 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद बातें अर्ज करूँगा। इससे पहले ऑडियो में आपने मर्ज के ताल्लुक से चंद बातें समाअत फरमाई जो मैंने तफासिर में अल्लाह अज़्ज़ वजल की अता से पढ़ी, आपकी खिदमत में पेश की। अब ये इसके आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरबा, उनके दिलों में मर्ज है, वो तो है अपनी जगह पर फिर और उनके लिए उनका अंजाम जो है और बयान किया जा रहा है कि सिर्फ मर्ज है, इतना ही नहीं, अगर इन्होंने तौबा नहीं की, निफाक से बाज नहीं आए, सच्चे मोमिन नहीं बने, तो मर्ज रहेगा, सिर्फ रहेगा ही नहीं बल्कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरबा, अल्लाह उस मर्द को और बढ़ा देगा। अल्लाह ने उस मर्ज को और बढ़ा दिया, ये मर्ज बढ़ता ही रहने वाला है। ये मर्ज था क्यों, मर्ज की इस बीमारी की वजह क्या थी, ये जो इनके दिल में निफाक है ये क्या था, यह हुज़ूर का हसद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलन, सहाबा इकराम से जलन, इस्लाम से जलन, कुरान पाक से जलन, हुज़ूर को नीचा दिखाने के लिए, इस्लाम को तकलीफ़ देने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सारी चालाकियाँ की थी। ये जो चालें चली थी इनका मकसद ही यही था कि किसी भी तरीके से धोखा देकर, झूठ बोलकर, हर चाल चल के मोहम्मद, उसके सहाबा और इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। ये जितना इस्लाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते उतना ही हुजूर की तरक्की होती जा रही थी, इस्लाम बढ़ता जा रहा था। लगातार इनकी आंखों के सामने एक के बाद एक तमाम कबाइल के लोग आ आ कर मुसलमान होते जा रहे थे, इनकी हसद और बढ़ती चली जा रही थी और इनको तकलीफ पे तकलीफ, मर्ज और बढ़ा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मर्ज बढ़ता जा रहा है, मर्ज बढ़ता गया, बस बढ़ता ही जा रहा है। चाहते तो ये थे कि इस्लाम मिट जाए, लेकिन हो रहा यह था कि शमाए इस्लाम की रोशनी सारे अरब में फैलती जा रही थी, लगातार मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मुसलमानों को शौकत, दबदबा, इज्जत अल्लाह अता करता जा रहा था। और ये जलन के मारे और कुड़ कुड़ कर अंदर ही अंदर घुट रहे थे, मर रहे थे, इनका मर्ज बढ़ता ही जा रहा था, यानी इनका वार खुद इन पर ही उल्टा हो रहा था। एक ये तफसीर बयान की गई और एक तफसीर ये भी बयान की गई कि पहले सबसे पहले भारी तो इन पर यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोले। सबसे बड़ा तकलीफ का काम इनका यही था कि ये तो कोई यहूदी था, कोई मुशरिक था, बुतों की पूजा करने वाला, कोई कुछ, अल्लाह को जो इस्लाम का तरीक़ा वहदानियत जो नज़रिया था इस्लाम का, वो इनके उस इनके तमाम अकीदों के ख़िलाफ़ था, इनके बाप दादा के दिन के ख़िलाफ़ था, तो वो सबसे बड़े तकलीफ तो वही थी। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए ताउआं वकरहन बादिले नाखास्ता झूठ मूठ का इस अपना ईमान पेश कर दिया, यहूदी भी आकर आम मुसलमान हो गए और दिल में तो इस्लाम के खिलाफ काम, चलो ज़ाहरी तौर पर मुसलमान हो गए, अब मुसलमान हुए तो फिर आयत नाजिल हो गई, यानी नमाजों की जो पाबंदी थी, जैसे तैसे नमाजें पढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे ज़कात भी आ गई, अरे बोले पैसा भी देना पड़ेगा, और यानी पहले कलमा पढ़ना ही एक मर्द की तरह तकलीफ़ दे रहा था, फिर नमाजें भी पढ़ा वो और तकलीफ़, फिर ज़कात के भी अहकाम आ गए और तकलीफ़, यानी मर्द और आयत आती जा रही, इनका मर्ज बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद में हद ये हो गई कि जिहाद में भी निकलो, जान का भी तोहफा पेश करो अल्लाह की बारे में, और अब तो यानी
फिर ये चोरी पर हाथ काट दिए जाएंगे, गसब नहीं करने दिया जाएगा, किसी की जमीन हड़पने नहीं दी जाएगी, सबके हकूक अदा किए जाएंगे। एक एक जो जो आयतें नाजिल होती जा रही थी, जो जो कुरान के अहकाम आते जा रहे थे, इनकी तकलीफ, इनका मर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ये सच्चे दिल से मुसलमान हुए ही कहाँ थे? निफाक था, मोमिन थोड़ी थे, ये मुनाफिकीन थे। तो मुनाफिकीन की तो यही हरकत है कि जैसे जैसे आयतें नाजिल होती जा रही थी, इनको तकलीफ होती जा रही थी, इनका मर्द बढ़ता जा रहा था। वहाँ मोमिनीन जो थे, जो सादिकीन थे, जो सहाबा थे, उनका हाल क्या था कि जैसे जैसे आयतें बढ़ती थी, इनका ईमान और पुख्ता होता था। जैसे जैसे कुरान के अहकाम आते जाते थे, ये और मजबूती के साथ इस्लाम पर कायम होते जाते थे। इनका ईमान, इनके दिल में ईमान का नूर और बढ़ता जा रहा था, और यहाँ मुनाफिकीन मर्ज में और मुबतला होते ही चले जा रहे थे। कितनी प्यारी, दोनों तफासिर को देखें, एक ये कि इस्लाम के अहकामात जैसे जैसे नाजिल होते जा रहे थे, इनका मर्द वैसे वैसे और बढ़ता ही जा रहा था। अब ये देखिए, बारिश जो है, बारिश होती है, हर जगह होती है। ये तफसीरी नईमी में ये बड़ा प्यारा है, इसमें कई बड़ी प्यारी प्यारी मिसालें दी उन्होंने, यानी बड़ा लोगों के समझ में आ जाए। तो इस पर तो कई अलग से किताब भी है, तो वही मिसालें आती है तो मुझे भी आपकी खिदमत में पेश करने का मौका मिल जाता है। तफसीर नईमी में ये मिसाल दी है कि बारिश होती सब जगह पर है, सब जगह बारिश होती है। अब लेकिन कहीं पर नजासत पड़ी हो, गंदगी हो, और नजासत गंदगी पर जब बारिश होगी तो क्या होगा, नजासत और फैलेगी और बढ़ेगी। जो एक छोटी थोड़े हिस्से में थी ज़मीन के, अब वो नजासत और बढ़ के थोड़े ज़्यादा हिस्से में चली गई और बढ़ना शुरू हो गया। बारिश गिरी, नजासत जो एक जगह पर थी, बारिश गिरने से और बढ़ गई और फैल गई। इसमें बारिश की गलती नहीं, गलती उस नजासत की, कमी उस नजासत की, उस गंदगी की है। यानी वो थोड़ी थी, बारिश गिरी, बारिश पाक और साफ, लेकिन उस नजासत गंदी चीज़ थी, नापाक थी, बारिश के असर से वो और ज़्यादा फैल गई और बढ़ गई। और वही बारिश जब किसी पाक और साफ, साफ और शफाफ सही चीज़ पर गिरती है, तो उसे और ज़्यादा पाकीज़ा कर देती है, उसे और ज़्यादा निखार देती है और धूल देती है। वही बारिश साफ चीज पर भी गिरी, उसको चमका दी, वही बारिश गंदगी पर गिरी तो वो गंदगी और बढ़ गई। तो उसी तरीके से कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी तो जो मोमिनीन थे उनका ईमान और बढ़ता चला जा रहा था और मजबूत हो रहा था, और जो मुनाफिकीन थे उनके ईमान में और कमी वाक़ होती जा रही थी, उनका निफाक और बढ़ता जा रहा था, उनका मर्ज और बढ़ता जा रहा था। वही आयत थी लेकिन दोनों पर असर अलग हो रहा था। और फिर ये जो मैंने पहले मतलब बयान किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हजीमत की कोशिश करते थे, जितना हुजूर को नुकसान पहुंचाने की, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उतना और ज़्यादा इस्लाम बढ़ता ही जा रहा था, हुजूर की शान और बढ़ती जा रही थी, हुजूर के मर्तबे में और तरक्की होती जा रही थी। तो ये इनका मर्ज जो था, हुजूर की शान देख देख कर और जलते जा रहे थे, और तकलीफ़ होती जा रही थी इनको, और यानी जलन के मारे, घुटन के मारे मरे जा रहे थे कि ये हम जितना मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ये और बढ़ रहा है। तो ये मुनाफिकीन जो उस वक्त में थे वैसे ही आज भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की बात आई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर किसी ने कोई फजीलत वगैरह बयान कर दी, फौरन जलन शुरू हो जाएगी, अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की बातें करो, अल्लाह अल्लाह। हुजूर तो यानी वो आए थे, उन्होंने पैगाम पहुंचाया, चले गए, और ये फिर नहीं आ गया, हदीस ज़ईफ़ है, ये कहाँ है, ये ऐसा नहीं हो सकता, बेबस बंदे हैं, अल्लाह की हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते, बेबस बंदे हैं, लिखा है किताबों, बेबस बंदे हैं। अल्लाह अकबर, यानी जहाँ हुजूर की अब फजीलत की बात निकली कि इनके दिल में इनका मर्द, आज भी, आज के भी मुनाफिक इनका मर्द वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है, या रसूलल्लाह बोलना शिर्क है, ये मुशरिक हो गए, ये खड़े होकर सलाम पढ़ना शिर्क है, ये बिदअत है। अरे जहाँ हुजूर की ताज़ीम की बात आई वहाँ इनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है,
जैसे वो मुनाफिकीन जला करते थे उनका मर्ज बढ़ता रहता था, वैसे ही आज के मुनाफिकीन का भी हाल यही है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज भी हुजूर की ताज़ीम बर्दाश्त नहीं की जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे का की बुलंदी, हुजूर का मर्तबा बढ़ता हुआ देखना उनको भी पसंद नहीं था, आज के लोगों को भी, आज के मुनाफिकीन को भी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अफ़त, उनका मर्तबा, उनकी अजमत की बातें बर्दाश्त नहीं होती। ये बेवकूफ़ है, इनके समझ में नहीं आता। मेरे आला हज़रत इनके बारे में ही, ऐसे मुनाफिकीन के बारे में ही फरमाते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। ये कुरान पाक की आयत है, और रफ़ाना लका ज़िक्र आयत का टुकड़ा है कि हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो आला हज़रत उसी आयत के, आला हज़रत की अशार जो है कुरान और हदीस हैं, उनकी तशरीहात हैं, कुरान और हदीस से लिए हुए अशार हैं, एक एक चीज़ जो है या कुरान और हदीस से साबित की जा सकती। फरमाते हैं, व रफ़ना लक ज़िक्र का है साया तुझ पर, आयत का हिस्सा पहले लिया, फिर फरमाते हैं उस आयत का आप पर गोया साया है। जो ये जलते मरते ना सोचते हैं कि हुजूर का जिक्र मिटा दें, हुजूर की शान घटा दें, ये ज़ईफ़ हदीस है ये, और उस वक्त मुनाफिकीन भी जो कि किसी भी तरीके से मोहम्मद को नीचा दिखा दे, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि अल्लाह से जल ने ख़ुद फरमाया हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया। जब अल्लाह बुलंद कर रहा है तो फिर घटाने वाला कौन घटा सकता है। फरमाते हैं, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा ज़िक्र है ऊँचा तेरा, बोल बाला है तेरा ज़िक्र है ऊंचा तेरा। अक्ल होती इन मुनाफिकीन को, ये जलने वालों को, ये हासिदीन को अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं और उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह, ये घटाएं चाहते हैं घट जाए, जिक्र कम हो, ज़ईफ़ हदीस है, ऐसा है, ये हुजूर कुछ नहीं है, बेबस। और वहाँ अल्लाह, जब अल्लाह और अफ़ाना अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह बढ़ाना चाहता है तो फिर कौन घटा सकता है। और मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, ये ऐसे आ आ कर उस वक्त में भी फितने उठते रहे, आज भी उठ रहे हैं और उठते ही रहेंगे। मुनाफिकीन उस वक्त में भी थे, आज भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको मुनाफिकत से महफूज फरमाए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, हुजूर का मुहिब बनाए, वफ़ादार बनाए, गद्दारी से महफूज फरमाए। मेरा परवरदिगार हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह इसके आगे की बातें इसके अगले ऑडियो में समाप्त फरमाएँ, ख़ुद भी सुनें, दूसरों को भी शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको सही कुरान पाक की सही तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।